The next presentation, I would like to call upon CA Ayushi Patidar, co-founder of MVP IPE LLP. She will be sharing her thoughts on cooperative banks and insolvency and bankruptcy code 2016. I would request Dr. Mrs. Ujwala to please escort her and do the honors. Dr. Mrs. Ujwala Avinash Chintre will be doing the honors. CA Ayushi Patidar is a practicing chartered accountant, having an experience of more than 5 years in the emerging areas of insolvency and bankruptcy. She is the co-founder of MVK, Insolvency Professional Entity, Central India's first IPE registered with IBBI. She is a regular practitioner at NCLT Mumbai and Ahmedabad. She is handling NPAs under IBC worth more than 1,000 crores. Over to you, ma'am. And the audience for having me here. मेरा नाम आयुषी पाटीदार है. मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. मैं पिछले कुछ साल से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 उसी कोड की प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ यहाँ पर. सो गुजरात थी आव्या बद्दा बैंकर्स नू मारू मारी मारू जय श्री कृष्ण ने जय स्वामीनारायण आणि महाराष्ट्रातून आलेल्या समस्त बँकर्सला माझा नमस्कार. मी मराठी शिकत आहे, अति शिकत आहे. सो अँड गुड आफ्टरनून टू ऑल अदर डिग्नेटरीज प्रेझेंट हिअर फ्रॉम व्हेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. सो इन्सॉल्वेन्सी अँड बँकरप्सी कोड 2016, एक बॅकग्राऊंड सेट करने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगी आप सभी को कि कैसे इन्सॉल्वेन्सी अँड बँकरप्सी कोड ने छोटे छोटे क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए बड़े बड़े लेंडर्स को छोटे छोटे क्रेडिटर्स के पैरों में ला गिराया. सो बात कुछ 2015-16 की है, जब एक मेहता जी करके बड़े टेक्सटाइल बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिनका बड़ा टेक्सटाइल का काम हुआ करता था, जो छोटे छोटे गुड्स जो सप्लाई करते थे, उनको धागा हो गया, छोटे छोटे कपड़े हो गए, तो छोटे छोटे व्यापारियों के साथ डील किया करते थे. ऐसे कोई एक व्यापारी थे पटेल जी करके. तो पटेल जी ने उनको जो भी गुड्स सप्लाई किया उसके अगेंस्ट उनको कुछ 5-7 लाख की लेनी देनी थी. तो पटेल जी ने कई बार मेहता जी को कॉल किया कि मेहता जी पैसे बहुत टाइम हो गया है, कुछ 6-8 महीने निकल चुके थे, गुजर चुके थे, तब तक उन्होंने पैसे दिए नहीं. तो मेहता जी थोड़ा ज़रूरत है, आप कृपया करके थोड़े से पैसे आप मुझे दे दीजिएगा, जितना भी आप कर सकें. तो मेहता जी का कहना था कि दे देंगे पटेल साहब, इतनी भी क्या जल्दी है. पटेल साहब ने थोड़ा सा वेट किया. उसके बाद पटेल साहब एक बार फिर से, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मेहता जी के ऑफिस गए. तो मेहता जी से फिर कहा कि मेहता जी जो ड्यूज है आप कृपया करके थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा. तो मेहता जी ने उनसे कहा कि अरे क्या ड्यूज यूज की बातें करते हो आप, तो एक काम करो, ये मिठाई खाओ. अभी अभी मैंने एक ऑडी खरीदी है, 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी, तो मैंने अभी अभी एक ऑडी खरीदी है, तो आप ऑडी का मिठाई खाओ. तो पटेल जी ने मिठाई खाया, बहुत देर तक वेट किया, पर फिर उसके बाद मेहता जी ने आकर उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की, वो अपने काम में व्यस्त थे. तो पटेल साहब फिर अपने घर चले गए. कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया, मेहता जी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. फिर थोड़े दिनों के बाद वो फिर मेहता जी के ऑफिस गए, मेहता जी से मिले, मेहता जी को फिर रिक्वेस्ट किया कि मेहता जी जो ड्यूज़ है कृपया करके क्लियर कर दीजिएगा. तो मेहता जी ने बोला अरे आप तो एक काम करो, ये नई मिठाई खाओ. एक नया बंगला बनाया है मैंने, बस उसी का हाउस वार्मिंग हुआ है कल, तो आज आप उसकी मिठाई खाइए. पटेल साहब ने फिर मिठाई ले ली, खुश तो हुए, पर एट द सेम टाइम ही वाज़ वरीड अबाउट हिज ड्यूज ऑल्सो. सो व्हाट हैज हैपेंड नेक्स्ट इज अगेन पटेल साहब घर चले गए, थोड़ा सा परेशान थे. उनकी एक डॉटर थी जो उस टाइम पे लॉयर लॉ पढ़ रही थी, वकालत कर रही थी. तो उसने पापा से पूछा कि पापा सू थयू. तो उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा एक है, उनसे मुझे कुछ पैसा लेने का है, कुछ 5-7 लाख रुपए, बहुत टाइम हो गया वो मुझे दे नहीं रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ मांग मांग कर, अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो उनकी बेटी ने उनसे कहा पापा कोई वांदो नहीं, एक मिराकुलस एक्ट बताती हूँ मैं आपको, जिसकी वजह से आपको
कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और मेहता जी भी आएंगे आपको आपकी ड्यूज क्लियर करने के लिए। तो उसने बताया कि एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करके एक मिराकुलस एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन 2016, इट वाज एनएक्टेड इन 2016। सो उस कोड के ज़रिए उन्होंने क्या किया कि उनकी डॉटर ने उनको गाइड किया, उन्होंने एक डिमांड नोटिस, जो लीगल डिमांड नोटिस होता है, वो मेहता जी के ऑफिस भिजवाया। जैसे मेहता जी ने वो लीगल डिमांड नोटिस देखा, मेहता जी भी थोड़ा तो डर गए। फिर मेहता जी ने अपने लॉयर से कंसल्ट किया कि ये क्या है, ये किस टाइप का डिमांड नोटिस, इसके रेपकेशंस क्या हो सकते हैं। तो फिर उनके लॉयर ने उनको बताया कि मेहता जी, ये बहुत छोटा सा ड्यू है, इस ड्यू के चलते आपकी चलती हुई कंपनी बंद हो सकती है और एक नया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो सकता है जो आपकी कंपनी चलाएगा। क्रेडिटर्स जो होंगे वो आपकी कंपनी के डिसीजंस लेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ड्यू है आप इसको सेटल कर दीजिए। मेहता जी ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया, पटेल साहब को कॉल किया, पहली फुर्सत में पटेल साहब को अपना चेक भिजवाया और पटेल साहब के ड्यूज क्लियर किए। सो इवन अ बिग बिजनेसमैन हु हैपन टू बी अ पायनियर इन हिज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री केम टू द वेरी स्मॉल क्रेडिटर हु वॉज हैविंग जस्ट ड्यूज ऑफ 5-7 lakh रुपीज एंड सेटल्ड द अमाउंट। सो ऐसा कोड है विच हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी पावरफुल, विच हैज़ लिटरली फैसिलिटेटेड रिकवरी फॉर मेनी NPAs, फॉर मेनी बैंकर्स, बीट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस एक्ट। अगर आपके सो देयर इज प्रोविजन फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑल्सो, सिर्फ प्रिंसिपल का नहीं है, अगर आपके इनवॉइसेस फैसिलिटेट करते कि इंटरेस्ट भी चार्ज करना, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो अर्लियर क्या होता था ना कि सिर्फ 1 लाख रुपए का ही मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट हुआ करता था, विच इज़ नाउ बीइंग रेज टू 1 crore रुपीज। सो दैट्स हाउ उस टाइम पर उनका सेटलमेंट हो गया था, 2016-17 की बात है। So, NPA, it's an old disease, but we've come with a new prescription, that's insolvency and bankruptcy. It just not only promotes entrepreneurship, but it facilitates entry is already there, ease of entry is already there in India, but ease of exit nahi tha. So, insolvency and bankruptcy ne ease of exit bhi facilitate kiya hai. Now, it has literally empowered creditors by way of a paradigm shift from debtors in possession to creditors in possession. Jaise hi process start hota hai, creditors have an upper hand. They get involved in the decision making of the company. They are there to decide each and every parameters related to the company. It even serves, like I narrated the story, it even serves the smallest and weakest sections of the creditors also. सो पहले क्या होता था ना कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, SARFAESI, DRT, आपका RDDBI, एंड सब में क्या होता था कि जो डिसीजन मेकिंग होता था, दैट यूज टू बी विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो वहाँ से डिसीजन आने में, रिकवरी होने में बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, इट यूज टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोलॉन्गिंग एडजुडिकेशन को रिमूव किया, बिकॉज दे हैव गिवन स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस विच हैज टू बी फॉलोड फॉर द रिकवरी। दिस मैंडेटरी टाइमलाइन ऑफ 330 डेज। They have also minimized the role of adjudicating authority. उन्होंने क्या किया है, they have given powers to bankers also. We call it committee of creditors under IBC. So committee of creditors को बहुत सारे decision making powers दिए, तो you can avoid going to the adjudicating authority and you can take those decisions in the committee itself. So IBC has definitely proved to be a tool for resolution for last 5 years. So इसमें resolution सिर्फ आप company को drag करके ही नहीं ले सकते हैं, there are other ways also wherein you can drag the corporate guarantors as well as the personal guarantors. Like we say that the corporate borrowers जिसने loan लिया है lender से, they become thin and eventually the promoters become thick. सो रिकवरी प्रमोटर्स से भी पॉसिबल है, गारंटर्स से भी पॉसिबल है, नॉट जस्ट फ्रॉम द कंपनी। नाउ आई विल नरेट यू एक छोटा सा प्रोसेस जो इसमें होता है। आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इट्स मतलब जस्ट नेक्स्ट लंच ब्रेक होने वाला है, सो यू ऑल कैन फील द अरोमा ऑफ डिफरेंट डिशेज कमिंग फ्रॉम द किचन एंड द बुफे हॉल। सो आई विल क्विकली नरेट इट, आई विल जस्ट ट्राई टू फिनिश इन क्विक टाइम।
सो जैसे ही डिमांड नोटिस लाइक आई सेड जो उसमें भेजा प्रोसेस में, वैसे एक पिटिशन फाइल होता है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर इज एनसीएलटी। सो एक पिटिशन फाइल होता है, पिटिशन फाइल होने के बाद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है हु एक्ट्स एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द प्रोसेस एंड फैसिलिटेट्स रेजोल्यूशन इन द प्रोसेस। आरपी कंपनी का पजेशन ले लेता है, लेंडर्स के साथ डायरेक्टली टच में आरपी रहता है, ही ट्राइज टू ब्रिंग इन द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हु कैन एक्चुअली रिजॉल्व द एंटायर कंपनी। इट इज़ नॉट जस्ट बाय मेथड ऑफ लिक्विडेशन और ब्रिंगिंग डेथ टू द कंपनी बट रिजॉल्विंग द कंपनी वेर इन द ट्राई टू ब्रिंग न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू पार्टीज हु कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड कीप द कंपनी एज गोइंग कंसर्न। So there is, so that the employees can keep their jobs, lenders can get the amount, government can recover their dues. After inviting resolution applicants, bankers decide करते कि क्या ये person और जो भी amount resolution applicant offer कर रहा है, does it serve their purpose, does it serve their interest or not? Post that only they approve the resolution plan of that resolution applicant. In case the resolution process fails, then the last resort is liquidation of the corporate debtor, जहाँ पर एक एक assets को या फिर company as a whole को हम liquidate कर देते हैं। अब इस process में parallel एक नया process भी, in 2019 there were new rules which got notified, so insolvency resolution process against personal guarantors and the bankruptcy process also, so 2019 में जब वो regulations notify हुए, उसके बाद now you can drag guarantors also in the process, personal guarantors to the companies. So invocation of personal guarantee is there, it can be done any time in the process, even if it fails, the process fails, uske baad bhi aap personal guarantee invoke karke you can proceed against the guarantors. So let me give you a quick brief of the insolvency resolution process against the personal guarantors. Like I said that once the company defaults, बैंकर्स अगर वहाँ पर सिम्बॉलिक पजेशन या सब कुछ भी ले लेते हैं, तो उसके बाद भी जो कॉरपोरेट बोरोवर्स हो जाते हैं, दे बिकम थिन, बट द प्रमोटर्स रिमेन थिक, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, लॉट ऑफ वैल्यूज, लॉट ऑफ असेट्स इन देयर पजेशन, सो यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट देम। नाउ वॉट डज आईआरपी अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर्स फैसिलिटेट्स, इट फैसिलिटेट्स रिकवरी नॉट जस्ट फ्रॉम द कंपनी बट फ्रॉम द प्रमोटर्स और गारंटर्स ऑल्सो हु आर हैविंग लिटरली थिक पॉकेट्स। Now the very interesting fact is, अगर आप कोई और एक्ट में, for example SARFAIC हो गया है, इसमें अगर आप प्रोसीड करते हैं, so what you can do is you can recover only against their security interest, आप सिर्फ उनका प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, वहीं से आप रिकवर कर पाएंगे। But this act has brought a big shift, जहाँ पर रिकवरी could be done not just from the encumbered asset but as well as unencumbered assets. Unencumbered assets में properties हो गया, ज्वेलरी हो गया, उनके म्यूचुअल फंड्स हो गए, यू कैन सीज देयर शेयर्स, यू कैन सीज देयर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सो देयर आर वेरियस असेट्स विच आर गेटिंग कवर्ड अंडर दिस प्रोसेस, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज। नाउ देयर इज मोराटोरियम राइट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पिटिशन, उस डेट के बाद से, जिस दिन से आपने उस गारंटर के अगेंस्ट एक्शन ली, उस दिन के बाद से ही कैन नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ हिज असेट्स। देयर इज अ स्ट्रिक्ट मोराटोरियम, इन केस द पर्सन वायलेट्स द मोराटोरियम देन इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय एनसीएलटी एंड द एनसीएलटी हैज़ बीन टेकिंग स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्शंस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ मोराटोरियम। इसमें डिफॉल्ट अमाउंट भी बहुत कम है, नॉट कॉर्पोरेट लेंडर्स के, कॉर्पोरेट बोरोवर्स के अगेंस्ट इट हैज टू बी 1 crore रुपीज मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट, फॉर द पर्सनल गारंटर इज जस्ट 1,000 रुपीज। नाउ देयर इज पैरेलल एडजुडिकेशन, सिर्फ जहाँ कंपनी जिस फोरम में एडजुडिकेशन हो रहा है वहीं पर आप पर्सनल गारंटर्स को भी ले जा सकते हैं और पैरेलली दोनों के अगेंस्ट डिसाइड कर सकते हैं, सो दैट फैसिलिटेट्स डबल रिकवरी फ्रॉम द कंपनी एज वेल एज द गारंटर्स। लाइक आई हैव गिवन एग्जाम्पल इन बिटवीन की सरफाइसी में क्या क्या चीज़ें रहती है, जिसकी वजह बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी थिंक दैट आईबीसी इज़ अ बेटर रिकवरी और द रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ इट, इट कवर्स, सरफाइसी यूज टू कवर ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वेर एज आईबीसी कवर्स बोथ द क्रेडिटर्स, इट कुड बी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बिगर, स्मॉलर, एनी काइंड ऑफ क्रेडिटर्स, and not just lenders but also the operational creditors, जिन्होंने जैसे हमने मेहता जी की स्टोरी सुनी कि जिन्होंने गुड सप्लाई किया था उनको भी रिकवरी मिली है। दिस इज एन अम्ब्रेला कोड विच हैज़ सुपरसीडिंग पावर ओवर ऑल अदर एक्ट्स, सो
इट इवन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर सरफेसी एक्ट ऑल्सो. उसमें बैंकर्स को लेकर लेंडर्स के जो पावर्स है वो बहुत लिमिटेड है. जब आपको वहाँ की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अगर ऑर्डर मिलता है, डिक्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट सेलिंग द प्रॉपर्टी. बट यहाँ पर बहुत दूसरे भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है बैंकर्स को. Now, like I said, that the process has to be compulsorily completed within 330 days. So it's a time-bound resolution, whereas in SARFAESI, recovery takes years and years. I mean, there have been occasions when even promoters group passed away and the cases were going on and on. So there was no quick resolution there. And SARFAESI has purely one objective, that is recovery by selling off the assets, whereas IBC facilitates not just recovery but resolution also. Like I explained, ki companies can remain going concern, usse revenues generate hota rahega, employees ki jobs rahegi, social cause bhi fulfill hota rahega, lenders can thereafter can again give credit facilities to the company, to the new resolution applicants. So that way even the bankers can generate new business out of here. And this is very cost effective to the lenders, because given the limited time frame, costing bhi bahut limited ho jati hai. Wahan par lawyers saalon saal mehnat karte rehte hain, apne bills bana bana kar bhejte rehte hain. So that is again a costly affair. Now there have been interesting data which has revealed that in last 5 years, jab se insolvency and bankruptcy aaya hai, tab se kitni zyada recoveries hui hai, kitne zyada resolutions hue hai process se. This data we have gathered from the website of IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. This data is as on December 2022. This data becomes very important, jahan par unhone dikhaya hai कि इवन बिफोर एडमिशन सीआर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले ही सेटलमेंट्स हुए हैं, एंड दैट सेटलमेंट हैज फैसिलिटेटेड रिकवरी ऑफ मोर देन 7 लाख करोड़ रुपीज. दिस इज अ बिग नंबर. नाउ ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज आल्सो. जब एडमिशन के बाद सेटलमेंट्स हुए हैं, विड्रॉल्स हुए हैं, प्रोसेसेस के रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुए, बट द मेजर नंबर विच प्लेज रोल हियर इज दिस. Now we, as a MVK group, how can we help you in the process? So our turnkey advisory includes, hum bankers ke saath baithkar cases studies karte hai, wherein we tell the bankers that which are the cases which are fit for going into insolvency and bankruptcy, because over a period of 5 years we have also understood ki bankers ko sabhi cases mein 100% of the cases mein recovery IBC se facilitate nahi ho sakti hai. So there are good amount of cases which facilitates recovery under IBC also. So we do a cherry picking there. We help bankers to identify those cases. We formulate the process ki process aage kaise work karega. That process includes negotiation with the borrowers, OTS settlements karna, if there are withdrawal processes, so unke through kaise aage badhna. So we try to formulate an entire strategy. Then we provide IRP, RPO or liquidation services. Like I said, that a resolution professional, IRPs, liquidators bhi appoint hote hain. So we as a group provide those services also. We are a practicing insolvency professional entity which can be appointed as IP, IRP and liquidator also. So this is how we've been working. MVK Insolvency Professionals, that is an entity which is actively providing insolvency resolution services and advisory services for last 5 years. Then we have our Central India's first insolvency professional entity, which has been recognized by IBBI as MVK IP LLP. So MVK IP LLP, recently there has been one circular from IBBI which allows IPs also to practice as an insolvency professional. Earlier, before that, we had been providing only support services, but with that circular we are now providing IRP related services also. Then we have our legal arm which provide us legal and academic support, because this process is so much where legal process jo hai, that is inevitable. So legal arm jo hai, our MVK legal, that has been providing us services here. So these are the COC members with which we have worked. These are not the only members, few of them I have listed down here.
पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो. ट्रस्ट मी, कोऑपरेटिव बैंक्स में हमने जो भी केसेस किए हैं, इट हैज़ फैसिलिटेटेड रिकवरी रियली रियली वेल एंड बेटर देन एनी अदर एक्ट. वी हैव फ्यू बैंकर्स हियर प्रेजेंट अमंगस्ट अस जिन्होंने हमारे साथ वो एक चांस लिया. वी आइडेंटिफाइड दोज केसेस जहाँ पर जो डिफॉल्ट था दैट वॉज बैक इन 2008-2010, तो हमने उसमें भी रिकवरी फैसिलिटेट किया है. मेयरली बाय सेंडिंग डिमांड नोटिसेज उन्हें सेटलमेंट प्रपोजल्स आए हैं. सो दैट इज अगेन अचीवमेंट फॉर हस ऑल्सो. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द राइट टाइम फॉर अवेलिंग दीज सर्विसेज. वैसे तो कोई राइट टाइम नहीं होता, आप कभी भी चाहें तो कभी भी ये प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हैं. जस्ट बिकॉज एन पी ए रेजोल्यूशन जो है 31 मार्च के पहले जो है, बैंकर्स ट्राई टू क्लीन अप the entire NPA thing or the balance sheets to the extent possible. Therefore, we suggest ki first quarter of the year, April to June mein, if you can plan ki aap ye process mein, you want to drag any case or any promoters or any guarantors. So we start from here. Ye process ko we try to end up, like there's a mandatory timeline. So we try to end up by the end of the fourth quarter. So is pure process mein, jab process chalta hai, uske baad fourth quarter mein, finally there is some recovery. This recovery could happen out of settlement. The process goes on, so usme litigations bhi rehte hain. There are negotiation with the borrowers. So borrowers present repayment plans also. And that's how we achieve speedy recovery in the process. So we have our presence in Indore, Mumbai, Ahmedabad, Pune. We have been providing services pan India though, but we have our offices in these four cities. So at last I would request all the bankers to at least to all the bankers present here to at least try your hands on this act. This has definitely given very positive results to not just to public and private sectors but the cooperative sectors also. कई बार क्या होता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर आपका जो लेंडिंग में अमाउंट है वो अगर कम है, सो बैंकर्स आर स्केर्ड ऑफ गोइंग अहेड विद द प्रोसेस दैट दे माइट द अदर लेंडर्स, द बिगर लेंडर्स माइट टेक हेड ऑन दिस प्रोसेस. बट ट्रस्ट मी, दिस प्रोसेस हैज़ गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. एवरी स्टेक होल्डर्स कैन पुट देयर पॉइंट ऑन द टेबल एंड ब्रिंग आउट स्पीडी रिकवरी आउट ऑफ दिस प्रोसेस. थैंक यू ऑल. थैंक यू.